मेरा नाम गंगदेव यादव है। मेरा नाम मोहन बघेल है और समिति का नाम है जली माता। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताओ। मेरा नाम गंगदेव यादव है। और जो आप लोग का मंडप है, जो दुर्गा उत्सव समिति है, उसका नाम क्या रखते हैं? जननी माता दुर्गा उत्सव समिति। और कितने सालों से माता का स्थापना कर रहे हैं? चार से पाँच साल हो गए जी। चार साल। और अभी यानी कि आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? आज अभी बाजा सांस्कृत मतलब बस्तर का सांस्कृतिक वाला मोरी बाजा हुआ, उसके बाद बच्चे लोगों का डांडिया होगा। और हमारे अध्यक्ष का नाम है गंगदेव यादव, उनके सचिव है शंकर बघेल, हमारे कोषाध्यक्ष मोहन बघेल, अमर बघेल, अमर पटेल, उपाध्यक्ष बलियार बघेल, भारत यादव, सह सचिव है जगत मोर्य सदाराम पटेल, सह कोषाध्यक्ष चंद गोयल, गोपाल मोर्य। और लोकेशन बता दीजिए आप लोग का, जो दुर्गा उत्सव समिति है यानी कहाँ भी स्थित है, एड्रेस यहाँ का? ये हमारा पंचायत भवन के सामने गणेश चबूतरा जगदलपुर। पालन करिए हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों के सहारक सौरभ का, संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप हैं। आप में तीनों गुण, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण विद्यमान है, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रय भूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अध्यात्मता परा प्रकृति है। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की पुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। हम कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही परा विद्या है, जिससे मुक्त की प्राप्ति, अचिंत्य महाप्रद स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन इसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप सब स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत संत के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद्य के पाठ से युक्त सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति और पालन के निमित्त आप ही वार्ता, कृषि और जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप जगत की महान पीड़ा को नाश करती हैं। देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं।
देश का संतान सागर से उतारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही गर्दक के शत्रु भगवान विष्णु के वक्त में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी भी। आपका मुखमंडल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भाषित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब कोट की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरो तथा वक्र भाव के समान भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राण नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य।